हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाली तीज में आप कैसे मेकअप कर सकते हो। ऐसा आपको पता है कि हरियाली तीज में जो है हम ग्रीन ग्रीन साड़ीज़ पहनते हैं, ग्रीन ग्रीन चूड़ी भी पहनते हैं, पर ग्रीन चूड़ी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने चूड़ा पहना हुआ है एंड साथ ही में ज्वेलरी और कुछ नए मेकअप प्रोडक्ट भी ट्राई किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे हैं कैसे नहीं हैं। सो ये आप देख सकते हो, ये सारे जो है न्यू मेकअप प्रोडक्ट है जो मैंने आज इस वीडियो में ट्राई किए हैं और इन सभी से मैंने एक अच्छा सा लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी एंड इसमें से कोई भी प्रोडक्ट यदि आप लेना चाहते हो या फिर चूड़ा या फिर ज्वेलरी कुछ भी लेना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे से मेकअप स्मूथली मेकअप कर सको और आपका मेकअप जो हो ग्लोइंग हो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स के चारकोल फेस पील ऑफ मास्क और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, मुझे इससे पहले मेरे पास ये थी नहीं, अभी अभी मैंने मंगवाई है और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, इसे रिमूव करने के बाद ना फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाती है। जितने भी आपके फेस पे वाइट हेड्स, स्मॉल फेशियल हेयर वगैरह जो भी होते हैं सारे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पेन नहीं करते। अभी तक मैंने जितने भी पील ऑफ मास्क यूज़ किए हैं उनमें से एक खादी की थी जो मुझे लगा था कि हाँ बहुत सही है, बिल्कुल भी पेन नहीं करती है, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। ये इफेक्टिव भी बहुत ही ज़्यादा है एंड पेन बिल्कुल भी नहीं करती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड बहुत अच्छे से मेरी फेस जो है पूरी क्लीन हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी एंड रियली में अमेजिंग है और प्राइस भी बहुत ही सही है। तो इसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड इसमें तो कभी कभी 50% भी ऑफ रहती है तो जाकर के आप चेक कर सकते हो। एंड अब स्टार्ट करते हैं मेकअप को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ हिप सीरम, ये मेरी अभी करंट फेवरेट है और जब मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल करना स्टार्ट करती हूँ तो बस करती ही रहती हूँ। एंड मोस्टली मैं अपने वीडियो में आपको ना सेम प्रोडक्ट ही दिखाती हूँ ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो कि ये भी लेना है वो भी लेना है वो भी लेना है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कलर बार की प्राइमर को यूज़ किया हुआ है, यहाँ मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसलिए यहाँ पे पहले ही मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं अपने हैंड से ही पहले ब्लेंड करूँगी, बाकी सारी चीज़ों को मैं लास्ट में करूँगी अच्छे से ब्लेंड ब्रश से, पर अभी मैं इसे अपने हैंड से ही अच्छे से हर तरफ ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस की 10-in-1 क्रीम, ये ना 10-in-1 क्रीम है, इसमें फाउंडेशन वगैरह प्राइमर वगैरह सब कुछ है तो बहुत अच्छी सी ग्लो देती है आपके फेस को एंड बिलीव मी बहुत ही अमेजिंग वाली क्रीम है, आप डेली भी यूज़ कर सकते हो और पार्टीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। एंड इस ब्रश के बारे में आप पूछ रहे थे ना, ये पैक की ब्रश है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है, काफ़ी अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो जाता है एंड ये आपके फाउंडेशन को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला ब्रश। एंड बस इसे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जितने अच्छे से आप ब्लेंड आपकी बेस उतनी ही ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी। एंड यहाँ पे मैं लैक्मे की कॉम्पैक्ट से अपने फेस को बेक कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने और मेरा फेस जो है वो बिल्कुल भी केकी ना लगे। एंड इस कॉम्पैक्ट को यूज़ करने के बाद ना बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाती है आपके फेस पर, तो ये कॉम्पैक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई एंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी सी ग्लो आ गई है विदाउट हाइलाइटर, क्योंकि ये क्रीम जो है ना काफ़ी ग्लोइंग फिनिश देती है आपको। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रांजिशन सेड आई शेडो के लिए, जो आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रूट कॉस्मेटिक की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यहाँ पर मैंने रेड कलर को लेकर के अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पर लेकर के दोनों साइडेस को मिला करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आई शेडो जो पैलेट है ना बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर लूंगी और उसे अपने आउटर कॉर्नर से इनर की तरफ में अच्छे से ब्लेंड करूंगी, धीरे धीरे करना है आपको, एक ही बार में बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो मैं धीरे धीरे करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ, हल्के हल्के कलर्स लेकर के धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ, एक ही बार में ले लूँगी तो फिर तो हो गया है कुछ नहीं होने वाला, तो हल्का हल्का लेकर के आपको करना है गाइस, देख सकते हो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना। सो ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यदि आप कोई भी आई लुक क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम कलर में अपने आईज़ के नीचे वाले पार्ट में भी अप्लाई कर लूँगी, सेम दोनों ही कलर रेड एंड ब्लैक, थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। एंड अब इसमें से मैं थोड़ी ना ग्लिटरी वाली मरून शेड लूँगी और उसे अपने आई लिड पर अपने फिंगर से ही अप्लाई कर दूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी एक कलर निकल करके आ रही है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी सी ब्रोंज कलर टाइप की लग रही है।
एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रोंज़र की आई पेंसिल और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये पेन लाइनर है, आप देखोगे तो मैं अपनी एवरी वीडियो में भी इसे ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और डेफिनेटली मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती हूँ अलग अलग प्रोडक्ट दिखा करके, इसलिए मैं सेम प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। और कभी भी आपसे इस तरह की गलती हो जाए ना तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, जस्ट ईयरबड ले करके इसमें मेकअप रिमूवर ले करके ना आपको जहाँ पर आपकी गलती हुई है वहाँ पर आप उसे टच करोगे ना तो आपकी जो भी आई लाइनर वगैरह इधर उधर फैल गई है वो निकल जाएगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की की काजल एंड अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट एंड ये मेरी अब ख़त्म होने वाली है। मैं इसे आई थिंक 6 to 8 months से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नेचुरल लुक देती है इस वजह से। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्करा, ये है लैक्मे आइकॉनिक की कर्लिंग मस्करा और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज ऑफ इसकी ब्रश एंड अब जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट ऐसे हुआ तो नहीं है, फिर भी मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। अब फेस मेकअप की बारी है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी कंटोर और कंटोरिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप अच्छी स्लिम HD फेस चाहते हो तो उसके लिए कंटोरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है आप कंटोरिंग कर लो, आप देख सकते हो फेस में कितने ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है, आपके फेस को एक अच्छा डायमेंशन मिल जाता है इस तरह से कंटोरिंग करने से और थोड़ी फेस जो है वो स्लिम लगने लगती है। एंड यहाँ पे मैंने नया यहाँ पे यूज़ किया है मिलानी की ब्लश एंड इसकी हॉल जल्दी ही आने वाली है आपके पास, बहुत ही अच्छी ब्लश है, बहुत ही क्रीमी वेलवेटी काइंड ऑफ टेक्सचर है इसकी। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की की हाइलाइटर, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये बहुत ही नेचुरल लुक देती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि अलग से हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है, बस हल्का हल्का सा ग्लो आता है फेस पे, इस वजह से ये मुझे बहुत ही पसंद है। और ये वाली सेट खास करके मेरी फेवरेट है तो उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड रेड लिपस्टिक, ये वाली लिप क्रेयोन नाउ माय गॉड ये सारे रेड लिपस्टिक को फेल कर देगी, इतनी ब्यूटीफुल इसकी कलर है गाइज, तो इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ये है मेरा फाइनल लुक, सो आप देख करके बता सकते हो आपको कैसा लगा मेरा ये लुक। और मैंने बहुत टाइम के बाद इतना ज़्यादा मेकअप किया है, लाइक रेड बिंदी, सिंदूर, चूड़ा, ज्वेलरी वगैरह बहुत ही टाइम के बाद मैंने किया है, तो मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं, लाइक मेकअप करने में मुझे जितना टाइम नहीं लगा उतने टाइम तक मैंने पिक्चर्स लिए हैं। तो आपको इनमें से कौन सी पिक्चर ज़्यादा पसंद आई या फिर आपको मेकअप पसंद आया भी या नहीं आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट में मैंने ग्लिटर भी अप्लाई किया था, उसी की वो पिक्चर थी, मिस रोज़ की ग्लिटर पैलेट, अमेजिंग ग्लिटर पैलेट थी गाइस एंड वही मैंने यूज़ किया था लास्ट में। और बस यही है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे दूसरे वाले चैनल पे आज मैं करने वाली हूँ एक गिव अवे, यदि आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो ज़रूर से ज़रूर आइए उस चैनल पे और देख लीजिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मेरी न्यू चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, इस वजह से मैंने वहाँ पे एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ मैं आज ही, तो आप जा करके चेक कर सकते हो और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए। एंड फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।